हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग आप लोगों के लिए दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लाते रहते हैं। आज इसी तरह गाइस, मैं आप लोगों के लिए एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल सोसाइटी रोहिणी के अंदर आप लोगों के लिए एक प्रॉपर्टीज लेके आ रखा हूँ। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए अफोर्डेबल रेट्स पे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK DDA फ्लैट्स लेके आ रखा हूँ। DDA की अगर मैं आपको बताऊं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। गाइस, सो बेसिकली अब मैं आपको थोड़ी सी पहले डिटेल्स देता हूं क्या है हमारे प्रोजेक्ट। गाइस, रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर हमारे पास DDA के फ्लैट्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के हमारे पास ऑप्शंस रहने वाली है। एंड सबसे बड़ी बात गाइस, मैं आपको बता दूं, पहले आज हम इसमें वीडियो के अंदर कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी की गाइस अगर मैं आपसे बात करूं, रोहिणी एक बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर एरिया दिल्ली के अंदर। अगर यहाँ पे आपने रीच आउट करना है तो आपको बता दो, रोहिणी सेक्टर 34 में रीच आउट कैसे करें। आप लोग रोहिणी के सेक्टर 18 से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो आपका क्राइम ब्रांच आता है, एंड क्राइम ब्रांच से भी गाइस आपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, वहां पे आपका रोहिणी सेक्टर 34 आ जाएगा। गाइस, आप लोगों को पता होगा कि रोहिणी में वैसे अगर प्रॉपर्टीज के रेट्स बात करूं, आपके 2 और 3 BHK के रेट्स 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के अराउंड होती हैं ऑप्शंस। सो इस बट ये जो आज हमारे पास यूनिट्स है गाइस, हमारे पास DDA की तरफ से, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर इसमें आपको रेंज की बता दूं गाइस, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, अगर मिनिमम अगर आपसे बताऊं, 10 लाख रुपए से आपके फ्लैट्स अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि आपके 1 BHK होते हैं, टॉप फ्लोर होते हैं। जैसे जैसे गाइस 4 फ्लोर की हमारे जैसे एक एक बिल्डिंग में होते हैं फ्लोर्स, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो सबसे टॉप फ्लोर होता है गाइस, वो सबसे ज्यादा मतलब सस्ते रेट का होता है, चीपर रेट का होता है, एंड उसके बाद जितने आप लोअर पे आएंगे उतने एक्सपेंसिव आपके फ्लोर्स रहेंगे। गाइस, मैं बात कर लेता हूँ आपको रोहिणी सेक्टर 34 एंड जो रोहिणी है उससे कंपेरिजन में क्या चीज है। गाइज, रोहिणी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। अगर हम वैसे रोहिणी के सेक्टर्स की बात करें, सेक्टर 18, सेक्टर 19, सेक्टर 12, तो गाइज ये जो रोहिणी सेक्टर 34 है इतना बसा हुआ एरिया नहीं है, बट यहाँ पे DDA के फ्लैट्स है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK। सो गाइज, इनके जो अगर मैं आपसे रेंज बताऊं, वहां पे इतने महंगे हैं। एंड ये सबसे बड़ी बात गाइज क्या होते हैं, रेट्स का इंक्रीज होना सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन होती है। जितनी पॉपुलेशन है, जितने बायर्स है, ऑटोमेटिकली उस तरीके से आपके रेट्स की एप्रिसिएशन होती है। एंड उसी तरह रोहिणी के अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सेक्टर्स है रोहिणी सेक्टर 34 में। क्या गाइज, अभी कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मेट्रो वगैरह वहां पे नहीं आई है, बट आने वाले 2-3 साल के अंदर पूरा का पूरा प्लान है मतलब दिल्ली में, कि वहां पे रोहिणी सेक्टर 34 में भी मेट्रो आएगी। इस वीडियो को आप एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर आउट करें, मैं कहूंगा, क्योंकि अगर इसी रेंज में अंदर गाइस 10-15-20 लाख के अराउंड हमारे पास दिल्ली एनसीआर के अंदर और भी काफी ऑप्शंस अवेलेबल है, जिनके अंदर गाइस आपको फर्स्ट जैसे आपको रिटर्न भी आना मिल जाता है। सो गाइस, इस प्रॉपर्टी के पहले मैं आपको डिटेल्स वगैरह देता हूँ। रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें गाइस, 10-12 लाख से हो जाती है, क्योंकि अलग अलग प्राइसेस पे डिपेंड करते हैं, अलग अलग यूनिट्स पे ऑप्शन होते हैं, अलग अलग लोकेशंस की बात होती है। गाइस, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको क्या पहले डिटेल्स देता हूँ। मिनिमम यहाँ पे 1 BHK अवेलेबल रहेगा रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर, एंड 2 BHK, 3 BHK यहाँ पे। प्लस गाइस, आपके पास प्लॉट्स की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपके 34 मीटर 32 मीटर 36 मीटर एंड 60 मीटर काफी मतलब हमारे पास प्लॉट्स भी हैं। बट गाइस, जो आज की वीडियो हम कंसिडर आउट कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले पूरा का पूरा, अभी मैं आपको पूरा लोकेशन दिखा देता हूँ जो हमारी रहने वाली है प्रॉपर्टी की। गाइस, अगर आपको रोड दिखाई, मैं सोसाइटी में आ रखूँ, यहाँ पे आपकी इतनी वाइड रोड मिलने वाली है, एंड ये सारे DDA के फ्लैट्स रहने वाले हैं। सोसाइटी की हाइजीनिक की बात करूं या किस तरीके से मेंटेन हो रखी है, बहुत ही बढ़िया सोसाइटी रहने वाली है। ये सारे आपके DDA के फ्लैट्स रहने वाले हैं गाइस, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बच्चों की बात करें खेलने कूदने की, तो आप सामने तक देख सकते हैं, आपको प्लेग्राउंड छोटे छोटे आपको पार्क्स वगैरह मिल जाएंगे सोसाइटी के अंदर, एंड पूरी की पूरी DDA की सोसाइटी रहने वाली है। एंड जिस तरीके से सोसाइटी मेंटेन हो रखी है गाइस, बहुत ही बेहतरीन। अभी हम इस फ्लैट पे, आपका ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट रहने वाला है, यहाँ पे एक 1 BHK फ्लैट रहने वाला है। आप परचेज करेंगे गाइज, आपको पूरा का पूरा रॉय मिलेंगे। कुछ यूनिट्स होती है जो गाइज आपकी मतलब बनी होंगी फुल रेनोवेटेड। ये आपका 1 BHK का फ्लैट रहने वाला है, बंद पड़े इसलिए गाइज क्लीनिंग होनी है। एंड अगर आपको पसंद आता है गाइज, बहुत ही बढ़िया आपका एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपका प्रोजेक्ट का ये आपका रहने वाला है। एंड यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं गाइज, ये आपका वॉशरूम रहेगा, 1 BHK है, यहाँ देख सकते हैं। ये आपका किचन हो जाएगा गाइज, बिल्कुल रॉ मिलेगा अभी आपको गाइस। तो आगे मैं अगर बढ़ूँ गाइस, आपको मैं ये, आपको ये भी आपका वॉशरूम है, ये आपका नहाने के लिए हो जाएगा, एंड ये आपका मतलब वॉशरूम पर्पज के लिए, एंड ये आपका रूम रहने वाला है। DDA की बिल्कुल कंडीशन रहने वाले, जैसे DDA के रोड फ्लैट्स रहते हैं। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, विंडोज वगैरह मिल जाएंगी। एंड अगर हम बात करें, बिल्कुल आपका रॉ फ्लैट रहने वाला है, डोर्स अभी लगे हुए हैं क्योंकि लोग लेके रेंट पर चढ़ा देते हैं। ये आपका बेसिकली इतना खुला मतलब ड्राइंग रूम रहने वाला है।
ये है गाइस, एंड यहाँ से अगर गाइस मैं आपको फ्लैट एग्जैक्टली कैमरा चीजें ना साइज जस्टिफाई नहीं कर पाता, निकलते गाइस आपका आपको मैं सामने का अगर व्यू दूँ एक बार, पूरी की पूरी आपकी सोसाइटीज रहने वाली है, एंड आपकी कार पार्किंग की अगर मैं बात करूँ स्टेयर्स आपको नीचे मिल जाती है, कार पार्किंग की बात करूँ गाइस घर के बाहर ही आपकी कार पार्किंग लग जाएगी। सो गाइस जैसे कि आपने रोहिणी सेक्टर 34 का मैंने आपको पूरा का मेरा लोकेशन का व्यू दिया है कि यहाँ पे गाइस अभी आपकी बहुत मतलब एरिया यहाँ पे लैंड बहुत ज्यादा खाली पड़ा है इसलिए यहाँ पे भी रेट्स कम है। बट गाइस एक चीज की मैं आपको गारंटी देना चाहूंगा कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारे पास जो है हमारे पास रोहिणी का अगर मैं आपसे प्रोजेक्ट की बात करूं एंड बाकी दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स की बात करूं आपको एक बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न्स दे देंगे और मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। रोहिणी सेक्टर 34 आपसे अगर आप देखें डेली, अगर वैसे आप लोगों की लोकेशन की ऐसा इशू नहीं है तो आप यहाँ पे परचेज करना ऑप्ट कर सकते हैं अगर, क्योंकि गाइस यहाँ पे भी सबसे बड़ा इशू है कनेक्टिविटी का, कनेक्ट दिल्ली से बिल्कुल थोड़ा सा एंड में आ जाता है एरिया इसलिए यहाँ पे भी रेट्स थोड़े लो हैं एंड बाकी ऑप्शंस यहाँ पे इतनी है, मतलब बायर्स यहाँ पे बहुत है लेने वाले बट अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट्स इसलिए इतनी नहीं है। बट यहाँ पे इसलिए गाइस रेट्स का अप डाउन होता रहता है, एप्रिसिएशन होती है फिर मतलब डेप्रिसिएशन हो जाती है टाइम टू टाइम जिस तरीके से आप पे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक एंड मतलब बाकी गाइस। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि रोहिणी के अंदर हमारे पास और भी प्रोजेक्ट्स है, अगर मैं आपसे बात कर लूं रोहिणी सेक्टर 32 के अंदर गाइस हमारे पास एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अंदर आपकी हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके अंदर आपके पास टॉप एमिनिटीज होंगी और टॉप बिल्डर की तरफ से आ रहे हैं। एमिनिटीज की गाइस अगर मैं आपसे बात कर लूं गाइस उसके अंदर आपके पास स्विमिंग पूल, जिमनाजियम, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, प्लेइंग ग्राउंड, मतलब एक से बढ़कर एक चीज होती है एंड बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पे भी नंबर शो पर होगा, आप एज सून एज पॉसिबल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर बेस्ट डील्स एंड बेस्ट प्राइस। बाकी अगर गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। बाकी मिलूंगा मैं आपको ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, टिल देन अपना ध्यान रखें, बाकी तो जी सब चंगा एंड रब रखा।